Now question number 6 part of question number 3. It is given that 10 minus 4x plus 4x square dx का integration रहेगा under the square. देखिए इस type के questions को हम दो प्रकार से solve कर सकते हैं. Completing square ही है दोनों method. एक तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x का whole square है 2 वाले से method से बना ले. या आप ये भी कर सकते हो कि 4 को हमने common out निकाल लिया यहाँ से. तो 4 का square root 2 हमारे पास बाहर आ गया. ये बोल गया x square माइनस एक्स टेन बाई फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन. अब x के साथ जो कोफिशेंट है वो है 1. 1 का हाफ करेंगे 1 बाई टू का स्क्वायर हमने ऐड किया और माइनस किया प्लस टेन बाई फोर. ये बन गया x माइनस 1 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टेन बाई फोर में से 1 बाई फोर गया 9 बाई फोर. x माइनस 1 बाई टू का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 बाई टू का होल स्क्वायर. 2 into this. Now this is the property of x square minus a square, property number 3. अब इसको third property से आप solve करेंगे. a square plus x by 2 a square plus x minus 1 by 2 का whole square 3 by 4 1 by 2 log of x minus 1 by 2 x minus 1 by 2 का whole square and 3 by 2 का whole square. Now using property and solve this. एज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. इसको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की तरह आप सोल्व करेंगे डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस द वैल्यू ऑफ डेज. दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ डेज. एक्स प्लस 3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट dx का इंटीग्रेशन करेंगे. यहां देखिए ये जो टाइप है हमारे पीछे भी आ चुकी है सभी टाइप है, लेकिन आज नोमिनेटर के अंदर ये टाइप दी हुई है px plus q into ax square plus bx plus c. ये टाइप इसको बोला गया. इसको कैसे सोल्व करते हैं? px plus q यानी x plus 3 as it is a into इस टर्म का डेरिवेटिव plus b x plus 3 a into डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 5 0 4x का minus 4x x square का minus 2x plus a b. Comparing the coefficient of x and constant both side. Here x का coefficient 1 है, यहाँ से लेंगे minus 2a, a की value निकाली minus 1 by 2. Constant इकट्ठे करते हैं इधर से 3 minus 4a plus b. यहाँ हम value put करते हैं a की minus 1 by 2 we get 2. 2 को left hand side लेंगे 3 minus 2 we get 1. This is the value of a b. Now we have put these value. We have find the value of x plus 3. So a into 4 minus 2x into b. इसकी हम अंदर multiply करते हैं इसके साथ 5 minus 4x minus x square under the square root plus value of b 1 into 5 minus 4x under the square root का whole integrations. अब इसको i1 part ले लेते हैं इसको i2. i1 को solve करते हैं. तो देखिए इस पार्ट को हम t पुट करते हैं 5 माइनस 4 एक्स माइनस एक्स के को t पुट किया. इसका डेरिवेटिव ये आया जो कि आगे आपका दिया हुआ है. तो यानी इस टर्म का डेरिवेटिव ये, तो ये टर्म और ये टर्म किसके अंदर चेंज होगी? dt के अंदर चेंज होगी आपकी और ये बन गया रूट टी. रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे स्केयर रूट टी का तो वी गेट टी की पावर 3 बाई 2 और 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई 3. 2 से 2 कैंसिल माइनस 1 अपॉन 3 5 माइनस 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 बाई 2. अब ये जो सेकंड पार्ट है 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर ये अभी हमने जस्ट थर्ड पार्ट में डिस्कस किया था. अब इसको आप सोल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये आप स्वयं करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. इसका सेकंड थर्ड पार्ट सेम एज पार्ट फर्स्ट. नाउ वी डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ लाइक दिस पार्ट नंबर 4 x into x square plus 1 under the square. हम इसको क्या लिखेंगे? x is equal to a into derivative of this x square का derivative हमारे पास पहुंच गया 2x और x का 1 plus b. अब यहां से comparing करते हैं coefficient of x and constant term. तो x का coefficient आ गया यहां से 1, ये 2a, a की value आ गई 1 by 2. Constant लेंगे यहां 0, ये आ गया a plus b, b की value आ गई minus 1 by 2. Now a into 2x plus 1 x square plus under the square root minus 1 by 2 x square plus x under the square root dx का integrations. अब i1 part को उठाते पहले first part का integration करते हैं. इसको put करते हैं x square plus x is equal to t, derivative करते हैं 2x plus 1 dx is equal to dt. तो
तो 1/2 ये बन गया आपका रूट टी डी टी। रूट टी का फिर इंटीग्रेशन करेंगे लाइक दिस, जैसे यहाँ किया गया स्क्वायर रूट टी का 1/2 2/3 टी की पावर 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 3/2। और जो I2 पार्ट आया हुआ है, I2 जो पार्ट आपका -1/2 बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आप सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, x के आधे का स्क्वायर ऐड करके और माइनस करके डू योर सेल्फ। अब इसी के पार्ट नंबर 5, 6 और 7 वो सेम एज फोर्थ पार्ट की तरह ही है, आपने स्वयं सोल्व करने हैं। दिस इज योर